आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। संबंधित बिल को लोकसभा से मिली मंजूरी, वोटर आईडी से आधार कार्ड जोड़े जाने का प्रावधान। पनामा पेपर्स लीक मामले में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ जारी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सीएम केजरीवाल ने किया टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का लेकर घमासान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब राजनीतिक नफा नुकसान का खेल भी शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, बोले सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को लगभग 955 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। साथ ही सीएम ने दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरण वितरित किए। मौके पर मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत बच्चों को लैपटॉप भी दिए गए। मैनपुरी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि इस यात्रा के दौरान बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अखंड भारत की स्थापना को साकार, देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए, देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए जन जागरण अभियान है। तिरंगा यात्रा हमारी राष्ट्रवादियों का संगठन है, राष्ट्रवादियों की यात्रा है, देशभक्ति से परिपूर्ण यात्रा है और ये पूर्ण रूप से सफल यात्रा है हमारी। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई पीछे नहीं है, सारे तिरंगे के साथ हैं। देश अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। उस अखंडता को, आत्मा को जगाने के लिए कभी कभी क्या होती है, बेधर्मी शक्तियाँ देश पे हावी होने का प्रयास करती हैं। उन शक्तियों को, अपनी जो धर्म की शक्तियाँ हैं, हमारी अखंडता, उसे जागृत करने युवाओं में, हमारे गुरुजनों में, वृद्धजनों में, सभी। रायबरेली में 30 साल पुराने मंदिर पर भूमाफिया का कहर टूटा है। कहा जा रहा है कि दबंग भूमाफिया और जेसीबी मशीन के जरिए शिव मंदिर को गिरा दिया गया। शिव मंदिर के तोड़े जाने से इलाके के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम सदर और पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गया, जहां आक्रोशित लोगों ने एकजुट होते हुए टूटे हुए मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए और लोगों ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी है। ये जो आप देख रहे हैं सब तरफ मलबा, यहाँ पर शंकर भगवान का बहुत ही पुराना, करीब 30 साल पुराना मंदिर हुआ करता था, कच्चा चबूतरा था, जिसको चूंकि वो गिर रहा था तो हम सब लोगों ने मिलके, मोहल्लेवासियों ने इसको पक्का कर दिया। लेकिन जो विपक्षी रमेश बहादुर सिंह हैं, उन्होंने इसको कल दोपहर में ही ऐलानिया कहा था कि मैं इसको पक्का नहीं होने दूंगा और मैं इसको गिरवा ही दूंगा, और परिणाम स्वरूप रात में 2 बजे के बाद इन्होंने इसमें जेसीबी लगवा करके इसको पूरा ध्वस्त करा दिया है। हमारी सारी मूर्तियां गायब करा दी हैं, जो कि हमारी आस्था पर, हद से ज़्यादा हर सनातनी व्यक्ति के धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात इन्होंने किया है। भोलेनाथ हमको किसी तरह से नाली में पड़े मिले हैं, बाकी और जो इनका पूरा परिवार था उनको ये लोग लूट ले गए हैं। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि मंदिर को उसके पुराने भव्य स्वरूप में लाया जाए। अगर नहीं लाया जा रहा है, इसमें हीला हवाली होगी, तो हम यहीं बैठे हैं, हम यहीं अपने प्राण त्यागते हैं। विवादित जगह अहमदपुर नजूल की जगह बताई जा रही है, इस पर मूर्ति रखने को लेकर विवाद हुआ था, कल शाम को सामने आया था विवाद और उसका रात में समझौता भी करा दिया गया था कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगभग 2:30-3 बजे के आसपास बाउंड्री को तोड़ दिया गया है, तो उसी पर विवाद हुआ है और हम लोग आए हैं, स्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि समाधान कराने की कोशिश।
देवरिया के सदा तहसील के मुनाडी गांव में रहने वाले सूर्य प्रकाश शर्मा पैरा विश्व कप चैंपियन रह चुके हैं। बीते दिनों इन्हें राष्ट्रपति पदक से भी पुरस्कृत किया गया। आज सूर्य प्रकाश अपने गृह जनपद देवरिया पहुंचे, जहां लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत होने पर सूर्य प्रकाश ने कहा कि हम बीजेपी पार्टी का सदस्यता ले चुके हैं, क्योंकि बीजेपी दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। बता दें, सूर्य प्रकाश शर्मा 2017 और 2020 में आर्म रेसलर पैरा विश्व कप चैंपियन रह चुके हैं। सूर्य प्रकाश शर्मा लखनऊ से एमबीए की पढ़ाई पूरी कर पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। पंजा देसी में पंजा कुश्ती इसको बोला जाता है, इंग्लिश में आर्म रेसलर बोला जाता है, और वैसे इंडिविजुअल में रेसलर बोला जाता है, और ये पैरा आर्म रेसलिंग के नाम से ये गेम जाना जाता है। और ये इसको 85 कंट्री केवल यूरोप कंट्री खेलती है, एशिया की थर्ड क्या नाम है 15 कंट्री खेलती है पूरा। और इस गेम को खेलने के लिए अगर पैरा बच्चे जो 100% दिव्यांग है उनकी आर्म्स मजबूत होती है, कि ऊपर की जो फिजिकल्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती है। इस गेम को बहुत आसानी से बहुत कम जगहों पे और बहुत कम इंस्ट्रूमेंट में इसको अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट करके आगे की जो भी चीज नेशनल मैच हुआ। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा का विषय बनने वाले हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची स्वाधीनता अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची की प्राइम टीवी से खास बातचीत हुई। साध्वी प्राची ने सभी सवालों के बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और ओवैसी पर निशाना साधते हुए आस्तीन चढ़ाकर बात करते हुए जरा आजम खान से मिलकर एक बार आइए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को चुनौती ना दें, हिंदुस्तान को चुनौती देने वाले बिल्कुल पक्ष नहीं जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर में और आज हमारे साथ साध्वी प्राची जी मौजूद हैं, जिनका आना हुआ है बुलंदशहर में एक कार्यक्रम के दौरान। स्वाधीनता अमृत महोत्सव यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले मैम से सवाल पूछेंगे, मैम क्या किस कार्यक्रम को लेकर आज बुलंदशहर आना हुआ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अमृत महोत्सव पूरे भारत वर्ष के कोने कोने में मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता से स्वाधीनता की ओर। हमारे क्योंकि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, कम्युनिस्टों ने लिखा है, बहुत सारे देशभक्त ऐसे बुलंदशहर के भी होंगे, इतने होंगे उनका नाम ही नहीं है, तो हमारे बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। सीधा निशाना आपका किस पर रहता है ज्यादातर? जो मेरे हिंदुस्तान को चुनौती देते हैं, जो मेरे हिंदुत्व पे आघात करते हैं, जो मेरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को चुनौती देते हैं आस्तीन चढ़ा चढ़ा करके, उनको जवाब। किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? ओबीसी के बारे में या अकबरुद्दीन ओबीसी जी के बारे में तो बात नहीं कर रहे? देखिए, समझने वाले सब समझते हैं, और जो अपनी कौम के नहीं हुए वो भला हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं? ये तो तलवारों के डर से सलवार पहन करके निकल गए थे। एक विशेष समुदाय के लिए आपका एक बयान सामने आया था, जिसमें आपने साफ तौर पर ये कहा था कि जो ये लव जिहाद फैलाते हैं और इतने बच्चे पैदा करते हैं, तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? लव जिहाद का सीधा सीधा जो असर है वो अरब राष्ट्रों से है, और मैं कहूंगी अपने बच्चों को कि अपनी माताओं बहनों को, कि अपनी बेटियों को बचाओ, संस्कार करो उन्हें, और लव जिहाद के प्रति बच्चों को सचेत किया जाए, सावधान किया जाए, और बहू लेकर के आओ। हिंदू समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदू समाज संगठित हो और सब एकत्रित होकर के हिंदुस्तान के मान सम्मान मर्यादा को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए कार्य करें। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनके बयानों को लेकर जो विपक्ष में जो उनकी बातें चुपती हैं, इनके बयान चुपते हैं, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। थ्रेट्स भी मिलती हैं, तो इन पर सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए साध्वी प्रज्ञा जी ने। बुलंदशहर से शिवांग शर्मा, प्राइम टीवी। मिर्जापुर में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं और शहर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की गई, जिसमें शादी व निकाह समारोह में डीजे व गाजे बाजे बजाने पर सख्त पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए, और साथ ही ना मानने पर उनके यहां निकाह ना पढ़ाने का फैसला किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मीटिंग के मुख्य अतिथि जनाब मोहम्मद परवेज खान ने कहा कि इस्लाम एक अमन और भाईचारे वाला मजहब है, इसमें शोर शराबा करना मना है। कोई भी काजी डीजे में जहाँ पे डीजे बज रहा हो, जहाँ पे गाना बजाना हो रहा हो,
जहाँ पे लोग जो है नाच रहे हैं, हाँ, तो इन सब जगहों पे अगर काजी जाता है तो वो निकालना पड़ा, एकदम साफ तरीके से कह दे कि मैं ऐसी जगह पे निकालनी पड़ाऊँगा जहाँ पे कि ये गलत तमाम काम हो रहे हैं। और अगर इसके बावजूद भी अगर काजी निकाह पढ़ाता है तो फैसला ये लिया गया, सभी उलमा ने यह फैसला लिया है, ख़ास तरीके से मरकजी सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला लिया है कि उस काजी का बायकॉट किया जाएगा। और जिन जगहों पे लोग रुकने से भी नहीं रुक रहे हैं, प्रतापगढ़ में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जवानों को याद किया गया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान सांसद संगम लाल गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विस्तार से बताया। आज बहुत ही प्रतापगढ़ के लिए गौरव का विषय है, हमारे जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो इस देश की आज़ादी में अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद कराया, जो आज स्वतंत्र भारत है, उसी के याद में जो पूरे देश में आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, आज उसी के उपलक्ष्य में हमारे स्वयंसेवक संघ के सह संकारवा जी के उपस्थिति में आज प्रतापगढ़ अपने आप में एक प्रतापगढ़ गौरवशाली इतिहास रहा है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मायके आई विवाहिता का शव तालाब में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आज तो वाजिदपुर गांव में एक लड़की जो है भाईलाल की पुत्री सुबह समुद्र के लिए गई थी, देर तक आई नहीं तो लोग ढूंढे उसको, गांव के पड़ोस के लोगों को जानकारी मिली उन्हीं के द्वारा, तो फिर देखा कि गांव के नज़दीक एक तालाब है, उसी तालाब के पास वो उसका चप्पल और दुपट्टा पड़ा था, तो धीरे धीरे करके उसी तालाब में एक गाँव में नाव ला करके ढूंढा, तो आसपास में पहले ढूंढा, उसके बाद में उसी में निकाला, उसके बाद में फिर निकाला तो उसकी शायद जान। पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस कितने समय आई है? पुलिस करीब एक एक डेढ़ दो बजे आ गई। कितनी उम्र होगी इनकी? 17 साल की है। कैसे क्या हुआ? 18-17 कैसे क्या हुआ था? अरे साहब सवेरे टट्टी गई, हम कहीं टट्टी वहाँ बतलाती है, भाभी भाभी पर आती है। कितनी सुबह गई थी? आज सुबह? हाँ सुबह। कितने समय? अरे वह 5 बजे सवेरे उठे हम, 4 दिया ला गए। फिर क्या हुआ? तो हम कहन का बिटिया बने कहन भोज जाए थे, वही बहुत दिन के बाद मिलन बरसला लागे, हम चौका बसन कही 4 दिन फिर मिलते कहन की बिटिया, हम जाओ भते नातिन का पटन कहन जाओ बिटिया दीदी वहाँ का करत, वहाँ कहीं नहीं ना तो ढूंढना के वहाँ ढूंढा साहब कहाँ मिली थी? कहाँ पर? ताल के बीच में मिली, किनारे मिली? किनारे मिली है। हमारी लड़की खत्म हो गई कैसे खत्म हो गई दादाजी? तालाब में बोड़ के खत्म हो गया है। कितने समय आपको जानकारी मिली? जानकारी हमका साहब 8 बजे करीब मिली, सुबह 8 बजे कि तालाब में डूब गई? नहीं नहीं, तालाब का नहीं जाने पान, गायब हो गए। कितने समय गायब हो गई? गायब हो गए 5 बजे करीब, हेजे मिली करीब 9-10 बजे। अच्छा, तो ग्रामीण रहे होंगे गांव के लोग? हाँ, गांव के रहे करीब 25-30 आदमी। पुलिस को सूचना कितने समय आपने दी थी? अरे 11 बजे करीब। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है। सर मेरे के पास कोई दुर्घटना क्या है पूरा मामला? जी, वहाँ पर जो है एक बाइक और जो है ट्रक में जो है टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे, एक ऑन स्पॉट खत्म हो गया है और दूसरा जो है सीएससी लालगंज लाया गया था, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल में। संभल में बैटरी चोरी करने आए चोरों ने अपने ही साथी को गोलियों से मार डाला। ग्रामीणों के शोर मचाने पर दौड़ रहे चोरों ने फायरिंग करते हुए चोरों ने अपने ही साथी को पकड़े जाने के डर से मौत की नींद सुला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
थाना रजपुरा के गांव रामपुर महकम से आज सुबह पीआरवी पर यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, ग्रामीणों से पूछताछ की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सुबह के समय गांव के बाहर खड़े हुए एक ट्रैक्टर में से कुछ लोग बैटरी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। गाँव में जाग होने पर जब हल्ला मचा तो वो लोग वहाँ से भागने लगे। भागते हुए उन चोरों में से ही किसी व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया और उन चोरों में से ही एक व्यक्ति के गोली लगी, जिसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। मौके पर उस व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं की जा सकी है। इसमें ग्रामीणों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए उचित धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसमें सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है व जैसी भी साक्ष्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त होगी। सीतापुर आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 14 अवैध असलों के साथ 2 असला तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों शातिर अपराधी है और शातिरों के ऊपर पहले से ही संगीन धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई की जाती रहेगी। सीतापुर में प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं अवैध असलाहों की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान के क्रम में थाना लहरपुर की पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1 शस्त्र फैक्ट्री जिसमें 14 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 1 अदद अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 11 जिंदा खोखा कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने और इसके मरम्मत के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। ये दोनों गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर अपराधी हैं और पूर्व में अवैध शस्त्र बनाने। सुल्तानपुर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है, जहां आवारा पशु ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। आलम यह है कि किसान रात रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली में जुटे हैं। जिला प्रशासन से शिकायत के बाद भी जब कोई व्यवस्था नहीं किया गया तो नाराज किसानों ने छुट्टा जानवरों को पकड़कर एक प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। इसी के साथ नाराज किसानों का ये भी कहना है कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए जब तक कोई मुहिम नहीं चलाई जाती तब तक उनकी फसलें इसी तरीके से बर्बाद होती रहेंगी। जी हमारे गांव में कम से कम 250 बछड़ी इकट्ठा किए गए हैं। सारी फसल, सारी खेती, आलू गेहूं, सारी खेती सब एकदम सत्यानाश कर दे रहे हैं और रात में जानवरों को जा कर के मारते हैं जो अपना पशुपालन किए रखे हैं अपने यहाँ, और उसके बाद बहुत अतिक्रमण है इनका। और यहाँ पे हमारे यहाँ कोई आर बगल में कोई गौशाला नहीं है कि वहाँ पर इनको रखा जाए, और ये सब छुट्टा जानवर हैं सारे जानवर। हरदोई में लोक शक्ति किसान संगठन पर कार्रवाई हुई है, जहां किसानों पर हुई इस कार्रवाई से नाराज किसान पदाधिकारियों ने सीएम के नाम पर एक ज्ञापन दिया है। तहसीलदार अंबिका चौधरी ने ज्ञापन लेते हुए सभी को आश्वासन दिया, जिस पर नाराज जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी अगर किसान पर बिना वजह के मुकदमा पंजीकृत करेंगे तो भारतीय किसान मजदूर यूनियन, दशहरी संगठन, सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन को बाध्य होगा। इसी के साथ किसानों के साथ हो रही परेशानी को जल्द से जल्द हल कराने की मांग की गई है। मथुरा में समाजवादी पार्टी मुकुंद रिजॉर्ट कृष्णनगर चौकी के सामने गोवर्धन चौराहा महिला जागरूकता कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों के हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बढ़ते लोकप्रियता से विपक्षी घबराए हैं। सरकार का सिर्फ टेलीविजन और अखबारों में रोजगार देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि धरातल पर प्रदेश का युवा और महिलाएं हताश और निराश है। लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं के आंसू जो भाजपा सरकार को सफाया करेंगे। आगे कुशवाहा ने कहा कि जब भाजपा सरकार बनी है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से महिलाएं और आम जनता परेशान है। आज मथुरा में 62 जिला हमारा महिला कार्यकर्ता जागरूकता सम्मेलन है और साधना शर्मा ने बहुत शानदार कार्यक्रम कराया, इनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिस तरह से महंगाई चरम पर है, महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं को तबाह सरकार ने कर दिया। और जब सरकार ने कहा था कि अच्छा दिन आएगा, तो जो अच्छा दिन की जिसने बात किया था, आज महंगाई ऐसे हो गया है कि अगर हमारे घरों में
दाल बनती है तो सब्जी नहीं, सब्जी बनती है तो दाल नहीं। महंगाई से महिलाओं बहुत तरस्त हैं, बहुत परेशान हैं, और भ्रष्टाचार से इस सरकार, जुल्मी सरकार से इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, सारी की सारी नौकरियां फेल हो गई, पेपर आउट हो जा रहा है। ये सरकार जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी है। और तो छोड़ दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके डबल इंजन भी फेल हो गई, अब वो धूं धूं करने लगी है, अब उसमें कोई चलने की ताकत नहीं है और सभी लोग डरे हुए हैं। सब लोग उत्तर पूरी केंद्र और प्रदेश के लोग आ करके उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हैं। तो ये आधी जो आबादी आपने देखा, आधी आबादी ही सक्षम है, ये सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश को बहुत काफ़ी है। और मुझे मालूम है कि जब समाजवादी पार्टी की महिलाएँ रायबरेली में तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है। बेटा कला गांव के पास एक टेम्पो पलटा है जिसमें 6 लोग यहां पे अस्पताल में लाए गए थे, जिसमें 2 गर्भवती महिलाएं थी और बाकी लोग थे ना, इनमें से सबकी हालत गंभीर थी, इसलिए इनको प्राथमिक उपचार करने के। शाजापुर जनपद के थाना जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम मनोहरपुर चौक में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में गांव के एक युवक ने गाय को गोली मार दी, जहां लोगों का कहना है कि युवक में पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी युवक पर केस दर्ज करा दिया गया, लेकिन इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि इस तरीके से गायों की दुर्दशा हो रही है और लोगों का मानना है कि इस तरह के दबंग लोगों पर कार्रवाई भी जरूरी है। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना को अंजाम देकर चालक मौके से फरार हो गया। हमीरपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां चोरों ने खाकी वर्दी को ही चुनौती दी डाली। जहां रात के अंधेरे में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कई घरों को निशाना बनाया और नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी जलालपुर को गश्त बढ़ाने का निर्देश दे दिया। और मेरे चोरी हुई है, चोरी करने आने की मंगल सूत्र और चांदी की हाय और सोने की हाय में फटी और उसमें 2 जोड़ी बिछिया थी। पिताजी का नाम देवी दयाल। अच्छा, क्या घटना हुई है? चोरी हुई घर में तो क्या क्या गया है तुम्हें? सोने चांदी के वो पायल तोड़िया बिछिया वगैरह आती। और फिरोजाबाद के ग्राम टापा खुर्द में ग्रामीणों के साथ सरेआम फ्रॉड करने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर ने 1 महीने पहले हम लोगों को अंगूठा लगवा लिया था, उसके बाद भी आज तक राशन नहीं दिया गया। इस प्रकार की राशन डीलर की ओर से किए जा रहे कारनामों को स्पष्ट हो जाता है। लोगों का कहना है कि राशन डीलर एक दबंगई किस्म का व्यक्ति है, इसलिए आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं फर्जीवाड़ा करने वाले मामले में राशन डीलर हेमंत कुमार ने अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना है कि लोग खुद उसके यहां अपना अंगूठा लगवाने के लिए बात करने के लिए आए थे। पिछले महीना में अंगूठा लगवाया हुआ है और राशन आज तक ना मिला। हाँ, हमने कही कि कल ले जाइयो, परसों ले जाइयो, एक हफ्ता बाद ले जाइयो, आज इतना गुजर गए। तो राशन आपको पिछले महीने नहीं मिला, पैसा ले लिया आपसे? नहीं, नहीं, पैसा नहीं लिया। अच्छा, पैसा नहीं, अंगूठा लगवा लिया आपको, राशन क्यों नहीं दिया फिर आपको? अरे अब खत्म हो गया, 27 तारीख को ले जाइयो, 27 तारीख को आए कि उठ के ना। कारण कुछ नहीं है, ये लोग खुद स्वयं कह देते हैं कि अंगूठा मेरा लगा लीजिएगा, फिर मुझे जब राशन बटे तब दे देना, दे दिया जाएगा तो कल दे दिया जाएगा। अच्छा, मीडिया के आने के बाद अब आप कल दे देंगे? हाँ। आपका आपको पिछले महीने राशन मिला कि नहीं मिला? पिछले महीने नहीं मिल पाया, अंगूठा लगवा लो तो अब राशन ही नहीं मिले, बोले जहाँ महीना में ले जाइए।
फिरोजाबाद में जसराना पुलिस टीम ने चोरी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट और चोरी करने वाले गिरोह के अभियुक्तों को कब्जे से जनपद के कई स्थानों से लूट की है। सोने चांदी के साथ 12 गैस सिलेंडर और अवैध असला के साथ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बहादुर भदौरिया और उनकी टीम के द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया। इधर कुछ दिनों से सरकारी स्कूलों में उनके सिलेंडर और गेहूं वगैरह की चोरियां हो रही थी और काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई थी, तो इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। धांसू, नीलेश और जितेश, इनके कब्जे से 12 सिलेंडर, 9 क्विंटल गेहूं, और इन्होंने और भी तमाम स्कूलों के बारे में बताया है जहां से इनके द्वारा इस तरह की हरकतें की गई जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सिकोहाबाद, फरिया और सिरसागंज की तरफ भी इनके द्वारा कुछ घटनाएं बताई गई हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग 3 लोग और हैं जिसमें राजू और बबलू और मोहित, ये भी इनके साथ हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा बैंक में भी एक घटना कारित की गई थी जिसमें 4,73,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक घटना लूट की और किए गए थे उसमें भी कुछ बरामद की है, और लूट की घटनाओं में भी ये पूर्व में इसमें से एक लड़का जेल गया है, मैनपुरी से भी जेल गए हैं, अलीगढ़ से भी जेल गए हैं और इस जनपद से भी पूर्व में। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।